भाभी अब जल्दी से पहनी से।
ऐसे बात क्यों कर रहे हो? हमने तो एक फ्रेंड है ना, इस फ्रेंडशिप के नाम पर हम दोनों पैसे मिले तो जा ही सकते हैं, क्यों है ना? सला तुम सच में इस फ्रेंडशिप के नाम पर ही खाते पिलाना चाहते हो या और कुछ करना चाहते हो? साफ साफ बोल सकते हो मुझे? जीवन ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसे तुम मेरे साथ बातें करने के लिए या मेरे साथ डेट पिलाने के लिए कर रहे हो? मुझे साफ साफ खोल के बोलो। नहीं नहीं जी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करो ना तुम मेरे साथ पहले। तुम क्या कर रहे हो? अरे पहले तुम फिर से खड़े तो हो। तुमने हम दोनों का फोटो के लिया? अरे शुगर तुम नहीं समझे, मैं ना इस पिक्चर को इंस्टा में पोस्ट करूंगा, जिससे हमारा जितने जो फ्रेंड है उसे पता चल जाए कि हम दोनों फ्रेंड बन गए हैं, और वो दोनों हमें स्टॉक करना स्टार्ट कर देंगे, इससे मेरा फॉलोअर भी बढ़ जाएगा। क्यों, सही बोला ना? इससे मेरा ही फायदा होगा और मैं मेरा फायदे का क्यों ना सोचूं? तो ऐसी बात है, फिर तुम हाँ ये सारे पिक तुम दे सकते हो। क्या हुआ, तुमने क्यों किया? मैंने पोस्ट भी कर दिया। क्या तुमने पोस्ट कर दिया इतनी जल्दी मुझसे बिना पूछे? तुमने मुझे चीज किया और तुमने और फोटो कैसे पोस्ट कर सकते हो? अरे जीवित तुम नहीं समझे, इससे तो समझेंगे कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। क्या मैंने तुम्हें क्या मेरा बॉयफ्रेंड बनाया? अरे वो वाला बॉयफ्रेंड नहीं, बॉय प्लस फ्रेंड, इसका मतलब मैं तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ ना? हाँ हाँ ये बात तो तुमने सही बोली। फिर चलो हम लोग कॉफी पीने जाते हैं। हाँ चलो, और इस दिन को लड़की को समझ नहीं आया, नहीं तो मेरी बहन बजा देती। तूने मुझे यहाँ पे क्यों लाया मुझसे बिना बोले? मैंने तुझे बोला था कि मैं यहाँ पे दोबारा बिल्कुल भी नहीं आऊंगा, उसके बाद भी तुझे मुझे यहाँ पे लाया, ऐसा क्यों किया तूने मेरे साथ? सॉरी ना भी, ऐसे गुस्सा मत हो मेरे ऊपर। और मैं क्या कर रही, तू ही बोल, तूने बोला था तू यहाँ पे नहीं आएगा, मैं तुझे झूठ ना बोल के यहाँ पे कैसे लाती मैं तुझे? और मुझे यहाँ पे काम करना ही है, इसलिए तुझे तो माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो मेरा जॉब कैसे होगा? बोल भी नहीं थे, मैं नहीं जा सकती, मैं जा रहा हूँ ऐसे। देखती प्लीज ऐसे मत कर, मैंने पहले से अपॉइंटमेंट लेके रखा है, अब तो चल प्लीज मेरे साथ। फिर मैं तुझे कैसे समझ रहा हूँ, मैं एक बार कॉल करते तो मुझे लैपटॉप की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो मेरा फ्रेंड है ना? तो तू नहीं जाएगी तो फिर मैं अकेला जा रहा हूँ। रुक रुक दे, मुझे अकेले जाने की कोई जरूरत नहीं, मैं भी तेरे साथ जा रहा हूँ, नहीं तो संभाल नहीं पाएगी तू अकेला। मिस्टर जंगल को बहुत बड़ा सरप्राइज मिल जाएगा शायद। मुझे पता था मेरा भी कभी मुझे मना नहीं कर सकता, समझी? पहले तू जाएगा। ओके फाइन। अभी मैं तो सोचा नहीं था कि तुम मुझे इतना याद करोगे कि मेरे ऑफिस पे चले जाओगे। असल में जंगल मुझे ना तुम्हारे साथ बहुत जरूरी बात करना है, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ, ना तुम्हारे साथ मैं दब पिलाने आई हूँ। ओके, इसलिए ये तुम एक्सपेक्ट भी मत करना, तुमसे मैं कभी भी एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकता भी कि तुम मेरे साथ बातें करने आओगे। मुझे बताया तुम कुछ काम से ही आए हो, अब बोल दो क्या काम है? वही तेरे यहाँ पे काम करना चाहते, इसलिए आप मेरे मतलब तुम तुम्हारे पास वो आ रही है कुछ बात करने के लिए। हाँ तुम्हारी बहन है ना, इसलिए यहाँ पे लाओ, मैं उसके साथ बात करने के लिए तैयार हूँ और ये काम उसे मिल भी जाएगा। लेकिन पहले से एक बात सुन लो, उसे देख के इतना भी मत सख्त हो जाना कि उसे लेकर हालत हो जाए। ओके, क्यों भी तुम्हारे पेरेंट की तुमसे ज्यादा गुस्से वाली है कि मैं उसके देखकर बेहोश हो जाऊंगा? उसके बारे में इस सब बातों को बोलने की कोशिश ही मत करना, वो बहुत ज्यादा क्यूट एंड खूबसूरत है जी, तुमसे भी ज्यादा। हाँ मुझसे तो बहुत बहुत ज्यादा खूबसूरत है मेरी बहन। ठीक है इस सब बकवास छोड़ो, मैं तेरे को अंदर लाता हूँ। ओके, उसके बाद भी तेरे को अंदर लाती है। मैं तुझे नहीं देख पाया, मेरे पीछे क्यों छुप गई? बाहर आ। मेरे पीछे भूत है अभी, वो मुझे देख के ऐसे बेहोश क्यों हो गए? मैं क्या देखने में इतना ज्यादा बुरा हूँ? प्लीज तू अब मुड़ाना स्टार्ट कर, पहले इसको होश आने दे, उसके बाद मैं तुझे क्लियर करता हूँ उन्हें हुआ क्या है। कुछ देर बाद जंगल को होश आता है।
तुम्हारे पीछे भूत है, तुम इसका मतलब तुम लड़के हो, तुम लड़के हो और तुम्हारा भूत तुम है ना, मानता हूँ मैंने तुम्हें कुछ बताया, बस मैंने सिर्फ तुम फेम बना लिया, प्लीज मुझे मत मारो, मुझे मार के तुम्हें क्या फायदा होगा। चटक तुम्हें जितना बोलना था तुमने बोल लिया, अब तुम भी सुन लो, हम दोनों ट्विन सिस्टर है ओके, ना कोई भूत है यहाँ पे ना कोई किसी को मारने वाला है। लेकिन एक बात तो तुमने नहीं बताया कि तुम ट्विन सिस्टर हो, तुम भी हो या तुम भी हो, कौन पे कौन भी है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, पहले तुम मुझे ये क्लियर करो कि मैं ना मैं क्लियर करना चाहूँ, मैं ते हूँ और वो भी है, लेकिन मैं समझूंगा कैसे। आप एक काम कीजिए, आप उसके घर पर एक हाथ दीजिए, देखना वो आपको थप्पड़ मारेगा, और आप मेरे घर पर हाथ देंगे तो मैं आपको कुछ भी नहीं दूंगी क्योंकि मैं आपको पसंद। अरे रुक जा, बाद में बोलना, पहले इसका दर्द तो खत्म होने दे उसके बाद। नहीं मैं समझ गया कि तुम ही दियो, मेरी ये सब बातें कोई नहीं कर सकता है। थैंक गॉड आपको बहुत सही, मैं तो सोचा कि आपको बहुत ही नहीं आएगा, प्लीज छोड़ो मुझे, छोड़ो देख कर रहे, प्लीज छोड़ ना तुम्हारी बहन से मुझे, तो आपको ही तो मिलना था ना पैसे, अब मिल लीजिए, वो तो खुद भी आपसे मिलने जा रही थी। अब आप दोनों बातें कीजिए, मैं बाहर जाता हूँ, ठीक है प्लीज, मतलब भी प्लीज उसे सुनाओ ना, एक बार सुन तूने आगे छोड़ दे। भी देखो शुरुआत है जंगकुक से, मैं ना आपको बहुत ज्यादा पसंद करती थी, इस वजह से मैंने आपकी कंपनी में 10 बार इंटरव्यू लिए, 10 बार हाँ, उसके बाद मुझे ये जॉब मिली है, मैं कैसे छोड़ दे सकता हूँ, बोलिए आप, मैं आपसे जब से मिलना चाहता था इसलिए मैंने इतनी बार इंटरव्यू दिया, अब तो मैं आपके साथ ही काम करना चाहता हूँ, तो एक काम मुझे मिल जाएगा, हाँ जरूर जरूर मिल जाएगा, लेकिन मैं ना तुम्हारी बहन से कुछ अक्रिया में बात करना चाहता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। असल में उन्होंने तो मेरे सामने पहले इंटरव्यू दिया था, इसलिए मुझे उनके साथ एक बार बात करना जरूरी है, हाँ क्यों नहीं आप बात कीजिए। तुमने ते के सामने ऐसे क्यों बोला, तुम जानते हो ते को कितना ज्यादा बुरा लग गया। मैंने ऐसा क्या बोल दिया, मैंने सिर्फ बोला कि मैं तुम्हारे साथ कुछ अलग में अलग से बात करना चाहता हूँ, इससे ज्यादा मैंने कुछ भी नहीं बोला, कभी तुम्हें पहले ही बताया जा रही थी कि तुम दोनों ट्विन सिस्टर हो, नहीं तो मैं कैसे समझ जाता कि तुम्हारा ट्विन सिस्टर है, मैंने समझ लिया कि वो एक भूत है, मैंने पहले ही वार्न कर दिया था ओके। तो मतलब भी इस वजह तुम तुम्हारे घर में कल पैसे मिलने नहीं आए थे, हाँ असल में इस वजह से, क्योंकि एक बार तुम्हें सब घर में मिलती तो तुम्हारे यहाँ पे नहीं आ पाते, सीधा मैरिज हॉल में मिलते, क्योंकि वो तुम्हारे साथ शादी करके छोड़ती थी। नहीं नहीं मैं उसके साथ शादी नहीं, शादी वादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो तुम्हें क्या, मुझे क्या फ्रेंड समझ के जब चाहो जहाँ पे चाहो वहाँ पे बुला सकता हूँ ना, तुम मेरे फ्रेंड हो के वहाँ पे आ जाओगे, हम दोनों मस्ती करेंगे या बातें करेंगे जो कुछ भी करेंगे, तुम्हें आना पड़ेगा, पहले तुम एक प्रॉमिस कर दो, फिर टेक के नौकरी तक की एंड हमारे फ्रेंडशिप भी और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। ओके फाइन, मैं तुम्हारे हर एक शर्त पे राजी हूँ, लेकिन टेक को कोई भी तकलीफ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे काम कर रहे हो तो इसलिए बिल्कुल भी नहीं, ओके टेक को कुछ तकलीफ हुआ तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ के तुम्हारे हाथ में दे दूंगा और सारे दांत भी, क्या भाई सारी बातें क्लियर होगी, अब तुम ते को बता दो कि ते यहाँ पे ही काम करेगी, हाँ क्यों नहीं, तो बस सिक्योरिटी जाकर ते को अंदर बुला लाती है, तो आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, आपको यहाँ पे कुछ भी तकलीफ नहीं है, ठीक है सच में, नहीं नहीं मिस्ते आप प्लीज रुक जाइए वहाँ पे, मुझे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, एक बार पहले तो कर चुके हैं ना आपने, हाँ ये तो आपने सही बोला, मैं ना आपको इसी वजह से बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। एक बात बता, जंकू कल रात कहाँ पे था, वो तो कल रात घर नहीं है, मैं उसके लिए वेट कर रहा था इसलिए मुझे अच्छे से पता है, अब तुम बोलोगे मुझे ये भी अच्छे से पता है, तुम्हें सब कुछ से बोल के गया कि वो कहाँ पे गया था, इसलिए जल्दी से बता दो ना मुझे, मुझे जीनू इतनी भी गुस्सा मत करो, असल में उसका कोई जरूरी काम आ गया था इसलिए वो चला गया, किसी कौन सा जरूरी काम जो उसकी माँ को नहीं बता सकता, अरे हो सकता है ना बहुत जरूरी काम था, अब इस सब बारे में भी इतना ही मत सोचो, मैं तो उसको आने के बाद पूछती रहूंगा कि उसके कौन सा ऐसा जरूरी काम पड़ गया था कि इतनी रात को उसने गया। आई होप आप सबको ये स्टोरी पसंद आएगी, अगर पसंद नहीं तो प्लीज लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना, क्योंकि आप सब बिल्कुल भी कमेंट नहीं कर रहे हैं।